साई महाविद्यालय के एलुमनी में सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले 2019 एलुमनी मीटिंग कराया था, जिसमें आप सभी अधिक संख्या में माध्यम से कॉलेज हुए थे, किंतु पिछले 1.5 वर्षों से चूंकि में हमारे कुछ छात्र फाइनल ईयर पास आउट भी हुए हैं और कैंपस के माध्यम से भी सेलेक्ट हुए हैं, तो हम चाह रहे थे कि फिर से हम पुनः जुड़े और जानकारी ले कि अभी वर्तमान में आप लोग क्या कर रहे हैं और आगे किस प्रकार हम लोग आप लोग का सहयोग कर सकते हैं और आप लोग किस प्रकार से महाविद्यालय से जुड़े हैं। इस उद्देश्य से आज की जो मीटिंग है ये रखी गई है। मैं चाहूंगा कि वे अपने संबोधन के माध्यम से हम सभी छात्रों से रूबरू हों और ये जो साई परिवार है ये परिवार सदा इसी तरह बना रहे और आप सभी अपने स्नेह के साथ हमसे जुड़े रहें। मैं आदरणीय डॉक्टर डीबी तिवारी सर को आमंत्रित करता हूं। सर सभी छात्रों का स्वागत है। मैं आप सब हमारे स्टूडेंट हैं और ये एक माध्यम है आप सबसे रूबरू होने का, आप सबसे मिलने का। आज जो स्थिति है कोविड का जो दौर है उसके चलते हम ऑनलाइन मिल रहे हैं। कभी ऐसी भी स्थिति आएगी कि पुनः फिर आप सबको महाविद्यालय में सम्मान के साथ बुलाया जाएगा और सबके साथ एक बैठक होगी। आप सबसे आपका हालचाल जाना जाएगा। आप सबने इस एसोसिएशन के माध्यम से जुड़कर पुराने दिनों को पुनः याद कराने के एक अवसर दिया है और हम चाहेंगे कि इस एसोसिएशन में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें ताकि हमें भी अपने स्टूडेंट की वो सब दिन याद आए। आप सब किस स्थिति में हैं आज ये सब जानने का अवसर मिले। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ और आनंद होंगे। विराम आगे मैं विमल सर को आमंत्रित करूंगा कि आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। छात्र को जॉब दिला विश्वविद्यालय और जॉब से रिलेटेड सूचनाएं मिलती रहती है। हाल ही में मैं बताना चाहूंगा एलुमनी के माध्यम से छात्र जुड़े रहे और वो हमारे जो कैंपस सिलेक्शंस होते हैं उसमें वो शामिल हुए। आईडीबीआई बैंक के द्वारा जो सिलेक्शन किया गया उसमें हमारे महाविद्यालय के 4 बीकॉम के छात्र भी हैं, जिसमें मैं नाम बताना चाहूंगा। सबसे पहले चितेश कुमार हैं और हाल ही में कोविड के समय में ही कैंपस सिलेक्शन हुआ हुए हैं, आगे भी जुड़े रहें और महाविद्यालय के जो भी जॉब रिलेटेड हम लोग सूचनाएं भेजते हैं आप लोग तक उसको देखें और उसमें अपना पार्टिसिपेंट देने की कोशिश करें। हम सदा कोशिश करते रहेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे जॉब हमारे महाविद्यालय के डॉक्टर ममता सिंह मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा, जिन्होंने समय समय पर हमारे सभी छात्रों का
हौसला अफजाई करते रहे हैं और हम शिक्षकों को भी समय समय पर हौसला अफजाई के माध्यम से आप लोगों के साथ जोड़े रखने की कोशिश करते रहे हैं। आज उन्हीं के स्नेह है जो आज हम सभी इस ऑनलाइन मोड से भी एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर ममता सिंह मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट से। एचओडी मैम, मैम थैंक यू विमल सर, आप सभी का इस एलुमनी मीट में बहुत बहुत स्वागत है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, डियर कलीग्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये एलुमनी मीट करने का मतलब ऐसा नहीं कि हमको कोरम तय करना है या मिलना है या फॉर्मेलिटी है। हम दिल से आपसे मिलना चाहते थे, अपने पुराने बच्चों से कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किस चीज की उनको भी जरूरत है। कोई बच्चा जॉब के लिए कोशिश कर रहा होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको ऑलरेडी जॉब मिल गई होगी, आगे प्रमोशन के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए वो ट्राई कर रहा होगा। तो आप सबको उनको आपस में मीट कराना, इस एलुमनी मीट का उद्देश्य ये है। और हम आपसे मिलना भी चाहते थे, जैसा कि विमल सर ने भी बताया कि पिछले कई दिनों से एक मिनट होल्ड करेंगे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है जी मैडम? यस जी। तो मेरा कहना ये था स्टूडेंट्स कि आज हम एलुमनी मीट पे जो बात कर रहे हैं वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं वो आगे लॉन्ग रन में भी हमसे कनेक्टेड रहें और वो क्या कर रहे हैं हमको बताते रहें। जैसे हम आप यहाँ पढ़ते थे तो हम हमेशा क्या बोलते थे, साई कॉलेज फैमिली। तो फैमिली में अगर कोई कहीं दूर चला जाता है पढ़ने के लिए या बाहर चला जाता है तो हम उसको छोड़ते नहीं ना, हम उससे बात करते हैं। हम अपने रिलेटिव से भी भले हम रोज बात ना करें पर महीने में, साल में दो चार बार तो हम फोन लगाते ही हैं, क्योंकि आजकल का इतना बिजी शेड्यूल हो गया है इंसान का कि वो अपने परिवार को ही समय नहीं दे पाता। तो रिलेटिव की बात अलग है। सिमिलरली वैसे ही कि हमको टच में रहना है अपने बच्चों के साथ, यहाँ से पास आउट स्टूडेंट के साथ, इसीलिए हम साल में ही ऐसी मीटिंग्स करते रहेंगे, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो चाहे ऑफलाइन माध्यम से। हमारा उद्देश्य जो है आपसे जुड़ना है, तो इसी उद्देश्य के साथ मैं देख रही हूँ कि हालांकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ जुड़ना चाहिए था पर बहुत कम स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। तो ये जो स्टूडेंट ऐड है ये मान के चलती हूँ कि साई कॉलेज को ये अपना परिवार मानते हैं और कुछ तो कोई दिक्कत तो नहीं ना सुशील? हाँ, कुछ तो ऐसी चीज है जो इनको बांध के रखी है और अपने बिजी शेड्यूल से भी आज ये समय निकाले हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। क्योंकि जो बच्चे नहीं जुड़े हैं कुछ का रीजन होगा कि चलो उनका कुछ शेड्यूल होगा या जॉब में होंगे, पर अगर हम खाली हैं, मीटिंग का लिंक गया है, तो हम अगर कॉलेज को समझते हैं कि हाँ इस कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया है, इसने मेरा बेसिक तैयार किया है, कुछ भी, अगर मैं नहीं बोलती कि 100% स्कूल और कॉलेज देता है, स्कूल और कॉलेज आपको सपोर्ट करता है, एक राह दिखाता है, अच्छी चीजें बताता है और हम फिर उस चीजों को लेकर अपने नॉलेज को लेकर उसको एनहेंस करते हैं और फ्यूचर में ग्रोथ करते हैं। तो ये बच्चे और को हम चाहेंगे कि लगातार हमारे साथ कॉन्टेक्ट में रहें, आगे जाके जितने भी मीटिंग्स होंगी और कॉलेज के जितने भी ऑफिशियल डिसीजन होंगे उन सारे डिसीजन में हम इन बच्चों को इंक्लूड करेंगे। और बहुत ही खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉलेज आगे अग्रसर है उन्नति की ओर। इसी में आपने देखा होगा
कि हमारे यहाँ एम कॉम भी खुल गया है मास्टर डिग्री में, एमएससी बायोटेक तो हमारे पास था ही, बट पिछले लास्ट ईयर में एम कॉम आया है और आगे इस साल में हमारे पास दो मास्टर डिग्री कोर्स और भी आने वाले हैं। अब जब वो आ जाएगा तो मैं आपसे शेयर करूंगी कि वो कोर्स क्या है और क्या नाम है। तो आप सभी की बेस्ट विशेस से, और जितने भी टीचर्स हैं उनकी कड़ी मेहनत के कारण कॉलेज उन्नति कर रहा है, और हम ये भी चाहेंगे कि हमारे पास आउट बच्चे भी बहुत उन्नति करें, उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो। तो इसी श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं भी आपसे फिर मिलूंगी, तब इसके पहले मैं चाहूंगी कि आपके जो पढ़ाई, आपने जिनसे पढ़ाई की है वो टीचर्स भी आपसे मिलें, आप उन्हें भी देखना चाहते होंगे, है ना, कि एक साल दो साल, कई बच्चे तो इसमें जुड़े हैं जो 5-6 साल पहले के भी पास आउट हैं, तो उनसे भी बात करना चाहोगे। तो मैं ज्यादा समय अभी नहीं लेती हूँ, उनसे आप एक बार रूबरू होइए, फिर मैं एक बार और आपको कंक्लूजन बताऊंगी इस मीटिंग का और उद्देश्य क्या है। थैंक यू। थैंक यू मैम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेन उद्देश्य इसका यह है कि हम लोग आपसे रूबरू हो सके। पिछले 1.5 सालों में बहुत लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है। इस कोविड ने ये दिखा दिया है कि परिवार क्या होता है और एक दूसरे का स्नेह क्या होता है। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि हम आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे को आवश्यकताओं पे सहयोग कर सकें। आज मैं बताना चाहूंगा कि कोविड के समय में भी कई छात्रों के माता पिता या छात्रों को किसी ना किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ी तो हम निरंतर सहयोग करते रहे हैं, और हमारे छात्र एक दूसरे का भी सहयोग करते रहते हैं। तो इन्हीं उद्देश्यों से हम जो स्नेह है वो बना रहे, एक दूसरे से हम रूबरू होते रहे, इन्हीं उद्देश्यों से हम ये मीटिंग कर रहे हैं। मैं चूंकि आपके शिक्षक लोग भी जुड़े हुए हैं जो आप लोगों से सदा रूबरू होते रहते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आपके साथ दो शब्द अपना शेयर करें। मैं सर्वप्रथम हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर अंजू कुमारी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे दो शब्द कहें। मैम, धन्यवाद सर। आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मेरे जितने भी अग्रज, अनुज, स्नेहिल समस्त छात्राओं का मैं डॉक्टर अंजू, वाणिज्य विभाग, इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमें ये मौका मिला कि हम अपने बच्चों से बात कर पाए। मैं ज्यादा वक्त इन बच्चों का नहीं लूंगी और ना ही सर आप लोगों का। मैं कुछ पंक्तियों में अपने वक्तव्य को रखना चाहती हूँ। हम जिस रास्ते से यहाँ तक पहुँचे हैं, तुम उस रास्ते पर अब जाते हो, जाने अनजाने अपनी बुलंदियों से वो गुजरा जमाना याद दिलाते हो। समय के चक्र ने हमको पीछे जरूर ढकेला है, पर एलुमिनी मीट के चलते आज हम एक बार फिर से वापस उसी समय में पहुंच चुके हैं जहां तुम्हारी शरारतें और हमारा चिल्लाना याद आता है, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही आज हमारे जितने भी स्नेहिल छात्र हैं जो इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, मैं उनका हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने आज भी हमें अपने स्मरण में रखा है और आज भी वो हमसे उतना ही प्यार करते हैं जिस कारण आज वो जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर। आगे मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर संजू सिंह मैम को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैम, थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर संजू सिंह, कॉमर्स डिपार्टमेंट। आप सभी को इस वर्चुअल एलुमनी मीट में देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, और आप सभी स्वस्थ होंगे और आगे एक अच्छे भविष्य के लिए अग्रसर होंगे, मैं मनोकामना करती हूँ। एक्चुअली में हम सभी ये चाहते थे कि आप लोगों से व्यक्तिगत रूप में मिले, पर वर्तमान में चल रहे इस पैंडेमिक सिचुएशन के कारण ये पॉसिबल नहीं था। और मैं चाहती हूँ कि
हम सभी जिस तरीके से आप लोगों को याद करते हैं और आप भी हम सबको याद करते हैं, तो आगे भविष्य में ऐसा हमको मौका जरूर मिले कि हम व्यक्तिगत रूप से इस मीटिंग को कर सके और सभी मंगल शुभकामनाओं के साथ आगे भविष्य के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सर। आगे मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट से हमारे सुशील सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। सभी स्टूडेंट को भी ज्वाइन किए हुए हैं। नहीं लेकिन अच्छा बोल रही थी वर्तमान वो सब बोल रही थी, अच्छा लग रहा है सुनने में, मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है। कौन है? हेलो संजीव बोल रहा हूँ। सभी स्टूडेंट जो अभी जुड़े हैं मुझे देख के काफी खुशी हो रही है। हमने कुछ साल पहले आप लोगों को पढ़ाया था, इनमें कई सारे स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है, वो अभी अच्छे जगह पर प्लेस हैं और ऐसा मीट करके हमें काफ़ी खुशी होती है इस तरीके का आयोजन करके। मैं यहाँ पर जो व्यक्त करना चाहता हूँ, मुझे कुछ फिल्मों के नाम याद आ रहे हैं जिसमें इस तरीके का जो एल्यूमिनियम मीट होता था और काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स होते थे उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जब यहाँ पर एल्यूमिनियम मीट की जाए तो सभी लोग यहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट करें, और अगर आप में से कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता है आखिरी में तो वो हैंड रेज कर देंगे। अभी यहाँ पर सभी को म्यूट किया गया है, तो जिनका भी हैंड रेज होगा बाद में उनको अनम्यूट करके मौका दिया जाएगा बोलने का। आगे की कार्रवाई के लिए मैं विमल सर को आमंत्रित करूँगा। थैंक यू। आगे मैं हमारे साइंस विभाग से डॉक्टर प्रतिभा गुमास्ता मैम को आमंत्रित करता हूँ। मैम गुड आफ्टरनून। ममता मैम गुड आफ्टरनून। प्रिंसिपल सर, माय डियर कलीग्स, प्यारे बच्चों, मैं आज की साइकोलॉजी एलुमिनियम मीट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साई परिवार की ओर से सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और याद आ रहा है वो समय जब पिछले टाइम हम लोग हॉल में मिले थे, सब लोग हॉल में हमारे कॉलेज की एलुमिनियम मीट हुई थी, वो हमारे लिए बहुत मेमोरेबल था। और कोशिश करेंगे कि ये नेक्स्ट टाइम जो है वो पेंडेमिक खत्म हो जाने के बाद फिर से ऐसे एल्यूमिनियम मीट जो है वो हम दोबारा करा सकें, और भविष्य में आप सभी का सहयोग महाविद्यालय परिवार की को मिलने की उम्मीद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विमल सर। आगे मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे कुछ छात्र जो जुड़े हुए हैं वो कुछ कहना चाह रहे थे, तो सर्वप्रथम मैं निधि को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो कुछ दो शब्द बोलना चाह रही थी। निधि ज्वाइन हुई है क्या? निधि आपको अनम्यूट किया गया है। निधि गुप्ता बेटा सुन रही हो आप? यस सर। आम आई ऑडिबल विमल सर? हाँ हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून ममता मैम एंड टू द ऑल द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग फैकल्टी ऑफ साई कॉलेज। So everyone knows I'm Nidhi Gupta. I'm a 2016 pass out from BSc Computer Science Department, and my experience with Sai College has been a fabulous one, and it is like a dream come true. It's not like we are having a really big infrastructure college and everything, so it will give student of the year type feeling. No, it's not like that, but what all things which are already present in the college, the whole teaching faculty, the guidance of my beloved Mamta ma'am, and the guidance of HS Sachdeva sir and Vade sir. So everything which has been combined all together, it has come up like a like that kind of back support for every student. So whatever we require to do in the college, be it studies, be it co-curricular activities, be it sports, so the guidance of Mamta ma'am, all the teaching faculties, all my teachers have always been there, and especially in the times of exams.
So what all things we required, be it a library book, be it whatever, from books to classes to even extra classes. So whatever things we required, we just need to reach to Mamta ma'am and we just need to say, tell about what all things we need from them. And she has immediately, immediately took action, and which has been resulted into a really good effect for every student. So it's not like we are paying attention to just one set of students or just one to two students. No, if we are having 20 students in our class, so the whole teaching faculty is going to pay attention to every 20 students out there. And because of the guidance of my teachers of the college only, I have been having a successful 5+ years of career in infrastructure and in the field of information technology. As a content writer, I am working in a MNC company in Noida as of now, and I recently visited college also, and I am so glad to see how big my college has turned. So there, we are having 500+ computers and everything. So everything, I am really very happy to see the college. And in the end, I would like to thank you, the teaching faculty, Mamta ma'am and Sachdeva sir also, for giving me the opportunity to be present here in this alumni meet. And I'm really happy to see each and everyone over here. And yes, in the long run, definitely, you are going to see Nidhi Gupta with Sai College every activities now and forever. Thank you so much. थैंक यू निधि फॉर मोटिवेटिंग योर जूनियर्स. थैंक यू वेरी मच. हम आपके साथ आगे जुड़े रहेंगे और हम चाहते हैं कि आगे के जितने भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या फिर आगे और भी जुड़ेंगे जो आज किसी कारणवश नहीं आए हैं, तो रेगुलर मीटिंग्स में भी हम उनको बुलाएंगे, कुछ डिसीजंस वगैरह भी करने हैं उनके साथ. थैंक यू बेटा. थैंक यू सो मच मैम. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी छात्रों को कहना चाहूंगा कि वे अपना कैमरा ऑन रखें, क्योंकि कई छात्रों से आज हम लोग 10 साल बाद देखने जा रहे हैं. कई छात्र ऐसे होंगे जो 5 साल पहले या 10 साल पहले हम पास आउट हुए होंगे. हाल ही में हमारे जो एलुमिनी बने हैं, मैं चितेश कुमार को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे जो शेयर करना चाह रहे थे अपना एक्सपीरियंस, वो शेयर कर सकते हैं. उन्हें अनम्यूट कर दिया गया है. चितेश. हेलो बेटा, आवाज आ रही है? बोल सकते हो आप? सभी अपना कैमरा ऑन रखेंगे, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सभी. गुड आफ्टरनून टू ऑल सर. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द टीचर्स मैम्स एंड ऑल सर, मोमेंट जूनियर्स एंड सीनियर सर. दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन दिस एलुमनी मीट सर, सो आई डोंट नो सर ऑल माय द सीनियर्स my juniors too sir. Therefore sir, it's a very big opportunity sir, this you are giving this to us through this online platform. And sir, recently I have completed my BCom with computer applications from Sai College, and I have been placed in IDBI bank through campus placement, and I am very thankful for that to the all Sai College family. And और भी सर, जो भी चीज सर अभी हमसे जो भी कॉलेज में जितने भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है सर, मतलब सर बहुत ही अच्छा लगा सर हमको. जो भी 2 साल हम तो अभी सर ज्यादा कॉलेज अभी हम आ नहीं पाए कोविड के कारण ही, लेकिन सर इसके कारण सर जो भी सर कॉलेज ने सर जो भी स्टेप्स जो लिया सर, जैसे कि हरमीत सर ने जैसे कि कॉलेज का एक अपना एक ऐप बनाया एप्लीकेशन, और यूट्यूब चैनल ओपन किया जिससे सर ने इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस सबको प्रोवाइड किया टाइम टू टाइम, वो बहुत ही अच्छा सर हमको अच्छा लगा सर. और हम उससे सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है सर हुआ. और सर आगे भी सर हम इस एलुमनी मीट के थ्रू सर हम जुड़े रहूंगा सर. अब पहली बार ही सर ये कुछ सर समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं अब. एंड सर जितना भी बोलूं सर आप सभी के लिए सर कम है सर. और थैंक यू ऑल सर. थैंक यू सर. हेलो चितेश. यस, मैं आपसे बोलना चाह रही हूं कि आप अपने जूनियर्स को बताओ कि आप कैसे सेलेक्ट हुए, और कोई बड़ी बात नहीं होती है, किस प्रकार से आपने प्रिपेयर किया और ये जॉब आपको मिली, के बारे में थोड़ा शेयर करें.
यस मैम, बस मैं इस पर अपने सभी जूनियर्स को बस ये कहना चाहूँगा कि बस अपना पढ़ाई अब अच्छे से रखिए, जहाँ भी कोई भी डाउट आए तो मैम जितने भी सर टीचिंग फैकल्टीज हैं वो सबसे इतने अच्छे टीचिंग फैकल्टीज कहीं नहीं मिलेंगे मेरे हिसाब से तो, और जो भी आपको कहीं भी कभी भी किसी भी पॉइंट में डाउट आया तो आप सीधा उन लोग से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर सीधा कॉन्टेक्ट कर लीजिए, सबका पर्सनल नंबर एक तरीके से सभी मेरे हिसाब से सबके पास ही होगा ही सर, और सीधा कॉन्टेक्ट करके जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी ये जो प्रोसीजर आगे जो भी होता है कैंपस का इंटरव्यू का वो सब के लिए भी गाइडेंस सर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा आप सभी को, सभी हमारे मैम और सर्स के द्वारा, और इतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता सब प्रोसीजर बस है, लेकिन फर्स्ट टाइम थोड़ा सा नर्वसनेस था, मेरे को भी था अभी भी है, और कहीं ना कहीं नर्वसनेस वो होना चाहिए और आगे रहेगा भी, और बस मैं वही कहना चाहूंगा कि अच्छे से बस प्रिपेयर करते रहिए, और ऑनलाइन के इस टाइम में ज्यादा तो हम कॉलेज आ नहीं पाए लेकिन उससे ज्यादा भी हम ऑनलाइन में जो पढ़े मेरे को भी लगा नहीं था कितना ज्यादा इंटरेक्शन अपने बीच कर पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब बीच बीच में सर अभी मीटिंग कराते रहते हैं और वो भी तो अच्छा लगता है, और अच्छे से करते रहिए बस, और कैंपस तो भी सर आते ही रहेगा, बहुत सारे और कैंपस आएंगे ये भी कॉलेज में, आते ही रहते हैं ग्रुप पे, आते ही रहता है सर, और टाइम टू टाइम इसमें हरमीत सर अपने यूट्यूब चैनल में ग्रुप में सब जगह इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आप उन सब के लिए टेंशन मत लीजिए, मैं तो बोलते बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और फिर वो सब हो जाना है अच्छे से। थैंक यू। अब मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में चितेश का IDBI बैंक में हुआ है, कोविड के दौरान साई महाविद्यालय में इसका कैंपस का ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें कैंपस सिलेक्शन इनका हुआ है। मैं आगे कोई अगर छात्र हैंडशेक करके कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है। हाँ भाई चैतन्य, आपको अनमूट किया गया है आप। हेलो, या हेलो हेलो सर, मेरा आवाज आ रही है बेटा? आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंकफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एलुमिनी, एंड एज माय नेम इज वाई चैतन्या एंड आई हैव पास्ड आउट माय ग्रेजुएशन साई कॉलेज बीकॉम एंड पीजीटीसीए फ्रॉम 2017-18 बैच, एंड करेंटली नाउ वर्किंग एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिव इन पात्रा एमएनसी व्हिच इज लोकेटेड नियर रायपुर स्टेशन। As of during the pandemic, the offices are closed and we are doing now work from home. And being a experience of the Sai College, whatever we can say, it was badless. Because here the faculties, the teaching facilities, and the fees, which are really affordable. And I would be really thankful to be a part of this college. And I recommend it for the upcoming future students to be studied in psychology and make their own future. Thank you. हमारे साथ में हमारे 2010 के और 2009 के भी छात्र जुड़े हुए हैं। एक दो छात्रों को तो मैं बाय फेस भी जानता हूं और हमेशा मिलते रहते हैं। शंकराचार्य में हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में विकास भी जुड़े हुए हैं। विकास, सुन पा रहे हैं क्या आप? जी सर, बिल्कुल। जय हिंद सर। भगत सिंह के जैसा दिख रहा भाई। देखो यही है कि देखो ये कोरोना काल में आदमी का पर्सनालिटी भी चेंज हो गया है ना बेटा। कुछ शेयर करना चाहोगे तो आप शेयर करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे ख्याल जितने भी जूनियर्स जुड़े हुए हैं शायद तक के वन ऑफ द फोरमोस्ट सीनियर्स अभी फिलहाल शायद मैं हूँ, और जो एक विकास यादव दिख रहा है अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मेरा जो जूनियर विकास था वही होगा शायद। जहां तक बात है, ममता मैडम ने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि कॉलेज से अभी तक जो हम लोग जुड़े हुए हैं तो कोई ना कोई रीजन है, तो इस कॉलेज से जुड़े होने का तो पर्सनली बहुत बड़ा रीजन है सचदेवा सर, मतलब हरमित सर, और ये चीज बताने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी मेरे जूनियर्स को कि बेटे मैं उस टाइम पर एक सेल्समैन हुआ करता था, और सीरियसली मेरी लाइफ को अगर किसी ने बदला है तो वो हरमित सर है। उनकी उंगली पकड़ करके मैंने ग्रेजुएशन शुरू की, और बाय गॉड ग्रेस, नॉट ओनली बाय गॉड ग्रेस, जितने भी फैकल्टीज हैं उनकी ब्लेसिंग्स, सीरियसली उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो मैनिफेस्ट होकर के कभी ना कभी आपकी लाइफ में जरूर लौट करके आएंगी। तो इसी का नतीजा है कि मैं एक डिपार्टमेंट का हेड हूँ,
मेरी लिखी हुई बुक जो है वो सीबीएसई के क्लास 12 के बच्चे पढ़ते हैं, अपना एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना लिया है, तो ओवरऑल ये जो कुछ भी है ये सीधा सीधा मैं बिल्कुल कह लीजिए डेडिकेट करता हूँ ममता मैडम को, सचदेवा सर को, प्रतिभा मैडम को, विमल सर को। विमल सर से और भी ज्यादा अटैचमेंट इसलिए है क्योंकि मैं खुद भी हमारे कॉलेज में एनएसएस का प्रोग्राम ऑफिसर हूँ और विमल सर के गाइडेंस में ही जो साई कॉलेज के सबसे पहले 3 सी सर्टिफिकेट्स निकले थे, मुझे बताने में खुशी है कि मेरा भी नाम उसमें है। तो इस कॉलेज के साथ तो जो रिलेशन है सर उसको बोलना जाए, मतलब मैं बोलना शुरू करूँ तो काफी सारी चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए। जैसे अंजू मैडम ने अपनी कविता में एक बात कही कि हमारा चिल्लाना याद आता है, तो अभी भी याद है, ये 2010 की बात है कि बायोटेक लैब में गलती से हम लोगों ने होली खेल ली थी, हम लोग फाइन भी पे किए, एक मतलब एक हफ्ते के लिए सस्पेंड भी हुए, उस समय डांट भी बहुत पड़ी। ऑन द कॉन्ट्ररी पार्ट हम लोग बहुत ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट भी रहे हैं हमेशा से। तो अगेन कंक्लूजन यही है मेरे पूरे इस कह लीजिए स्टेटमेंट का कि पढ़ाई जो है वो आपके तरफ से होनी चाहिए, लेकिन अपने टीचर्स की ब्लेसिंग बिल्कुल आप लेते रहिए, वो टीचर्स की ब्लेसिंग जो है वो कभी ना कभी मैनिफेस्ट होकर के आपको जरूर लाइफ में आगे लेकर के जाएगी। वो किस्मत और ग्रह नक्षत्र जो भी है वो सारी चीजें एक तरफ और आपकी टीचर्स की ब्लेसिंग एक तरफ है बेटे। थैंक यू सर। जैसा कि हर एक छात्र का बचपना स्कूल से जुड़ा होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़कर जो शिक्षा ग्रहण करता है, उसी प्रकार से एक परिवार से जुड़ते जुड़ते कॉलेज में भी जुड़ता है। तो जैसे आपने देखा कि विकास जो है वो अपने कई एक्सपीरियंस को शेयर किया, अगर और कोई छात्र का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जो शेयर करना चाहे तो कर सकता है, वो हैंडशेक करे, हम उनको यहाँ से अनम्यूट कर देंगे। चलिए कार्यक्रम को हम समय ना लेते हुए आगे बढ़ाते हैं। इस दौरान भी अगर कोई छात्र कुछ शेयर करना चाहे तो हैंडशेक कर दिया कर दे, हम उनको यहाँ से अनम्यूट कर देंगे। मैं इस प्रोग्राम को अंतिम रूप देने के लिए डॉक्टर ममता सिंह मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा। थैंक यू विमल। आज मेरे प्यारे बच्चे इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। देखो हमारे टीचर लोग के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड या अवार्ड जो होता है यही है, हमको और कुछ नहीं चाहिए रहता है कि हमारे पास आउट बच्चे जाने के बाद भी अगर हमारा नाम लेते हैं कि हाँ उनके थोड़े से एफर्ट के कारण आज हम इस पोस्ट पर हैं और उसको याद करते हैं, तो उससे बड़ा सुख मेरे ख्याल से टीचर के लिए और कोई दूसरा नहीं। आपने देखा अभी कि 4 बच्चे हमारे सामने आए जिसमें विकास मोस्ट सीनियर आपका स्टूडेंट है, तो एक विकास यादव भी है। मैं तो चाहूंगी विकास यादव भी आए मेरे बोलने के बाद, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी विकास यादव से भी। और विकास आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शंकराचार्य कॉलेज में, HOD हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के। मुझे आज भी वो स्टूडेंट वाला विकास याद है जो माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट था, फिर MSc केमिस्ट्री किया, और इसलिए अपनी मेहनत से देखो उंगली तो आपका पकड़ने वाले बहुत मिलेंगे आपको। सहारा लोग बोलते हैं ना, मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया, सहारा देने वाले बहुत होते हैं, आपको पहचानना आना चाहिए। और आप कैसे यूटिलाइज करते हो, कैसे आगे बढ़ते हो, आप में क्या इच्छा शक्ति है वो बहुत जरूरी है। हम कितना भी सपोर्ट दें किसी भी बच्चे को, हम अपने खुद के बच्चे या हर कोई जानता है कि कितना सपोर्ट देते हैं, क्या सब बच्चे जो हम उनके लिए चाहते हैं वो कर पाते हैं, नहीं। तो आप सब भी हर साल यहाँ जितने भी स्टूडेंट पास होके निकलते हैं वो हमारे खुद के बच्चे से कोई कम नहीं है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाएं और एक अच्छे इंसान बने, ना केवल पोस्ट में अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। आप मॉरल वैल्यूज समझें, लोगों का आदर करें, रिस्पेक्ट करें, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। निधि ने बहुत अच्छी बातें कही, निधि बहुत पुरानी स्टूडेंट है, BSc CS करके यहाँ से गई और आज एक MNC में कंटेंट राइटर है। उसका हमेशा से लिखने पढ़ने का बहुत अच्छा शौक था, बहुत अच्छा लिखती थी वो, तो उसने अपने चॉइस के फील्ड में ही अपना करियर डेवलप किया।
जैसा कि आजकल कहा भी जाता है कि आपका जो इंटरेस्टिंग फील्ड है अगर उसमें आप आगे बढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। कई लोग सोचते हैं कि अरे इसमें तो कोई वो ही नहीं है, कोई जॉब्स ही नहीं है, बट जॉब्स हैं। आज वर्तमान ऐसा है कि एक भी फील्ड ऐसी नहीं है कि उसमें जॉब नहीं है। तो वो अपने कंटेंट राइटर मीन्स वो वेबसाइट्स के लिए लिखती है, मैगजीन्स के लिए लिखती है, तो वही उसने अपना प्रोफेशन बना लिया। जितेश ने भी बहुत अच्छी बात कही। जितेश हालांकि हमारा अभी लेटेस्ट स्टूडेंट है, जस्ट पास आउट है और तुरंत उसे जॉब मिल गई है। वैसे भाई चैतन्य जिन्होंने अभी तुरंत उनको एक लिंक किया और वो जुड़े, भाई चैतन्य हमेशा जब भी कुछ ऐसी मीटिंग होती है इसमें जुड़ते हैं और अच्छी बड़ी कंपनी में भी वो जॉब कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। ऐसे हमारे सारे स्टूडेंट जितने भी नहीं भी बोले हैं, नहीं भी मिले हैं हमसे, वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल है आज की डेट में और हमेशा से रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो आज ही हैं। दूसरा बच्चों मैं एक कहना चाहूँगी आपसे, आपका कॉलेज, हमारा कॉलेज नहीं बोलना चाहिए या मेरा कॉलेज नहीं, ठीक है, आपका कॉलेज NAC कराने जा रहा है। और NAC का मतलब आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ, हालांकि सब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर विकास बैठे हैं उनको सब पता है, वो NAC करवा चुके हैं अपने कॉलेज में 3 बार, पर आपके साई कॉलेज का ये फर्स्ट टाइम है। हम इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हमारा जो स्टेज है इनिशियल स्टेज है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली 1 साल के अंदर हमारे यहाँ NAC टीम विजिट करेगी। तो NAC टीम में एक क्राइटेरिया रहता है कि वो पुराने पास आउट बच्चों से मिलते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप उनका हिस्सा बने, उस पुराने स्टूडेंट का जो ग्रुप रहेगा उसमें, और एक विलिंगनेस के लिए भी हम एक फॉर्म भराएंगे या कुछ ऑप्शन देंगे आपको कि विलिंगली आप इसमें अगर इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उस गूगल फॉर्म को जरूर भरिएगा। ताकि हम देखिए आज भी कितने लोगों को गया लिंक, मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात कवर करी, पर अभी हमारे पास जो जुड़े हैं बहुत ही कम बच्चे जुड़े हैं। तो वही बच्चे हम चाहते हैं कि जो दिल से अटैच हो, और आगे कुछ लोगों को हम लिंक और देंगे जो आज नहीं आ पाए हैं, आगे की बात हम उनके साथ फिर शेयर करेंगे। दूसरी एक बात और कवर करनी है मुझे, एक हमने थीम सोचा है बच्चों के लिए, बाय स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट थीम का ये उद्देश्य रहेगा कि हमारे पास आउट बच्चों में अगर किसी के पास कोई हुनर है, ठीक है, हुनर इन द सेंस ऐसी कोई क्वालिटी जो वो दूसरे बच्चों को सिखा सकता है। लाइक हमने बीच में स्टार्ट भी किया था जब फिजिकली कैंपस रन होते थे, जैसे एक बच्चे को ताइक्वांडो आता था तो उसने ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी हमारे बच्चों को, एक बच्चे को क्लासिकल डांस आता था तो उसने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग दी। तो अभी इस ग्रुप में अगर किसी को इस टाइप की कोई क्वालिटी है तो मुझे बताए, विमल सर को बताए, और कोई भी आप जिससे भी आप टच में हैं उनको आप बताएंगे तो हम अपने बच्चों के लिए ये चीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे। ये तो हुआ कुछ स्पेशल टाइप के जो रहता है, ज़रूरी नहीं कि सब में रहे, कुछ ऐसे हैं जिनका टीचिंग बहुत अच्छा है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, उनको लगता है कि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड लेक्चर बहुत अच्छा दे सकते हैं, तो वो अगर आना चाहते हैं तो वो भी अपना टॉपिक लेकर कि हाँ मैं आज ऐसा कुछ जो मैं सोच नहीं पा रही हूँ या मैं बोल ही नहीं हूँ, वो आपको लगता है कि नहीं ये मैं जूनियर्स को बोल सकता हूँ, ये मैं सिखा सकता हूँ, तो अपने चॉइस को आप अपने नाम के साथ अपने टीचर्स को बिल्कुल बताएं। और मोस्ट वेलकम, हम बिल्कुल उसको स्टार्ट करना चाहेंगे। जैसे यहाँ से जो MSc पास करके गए हैं विकास हैं, वो अक्षय पात्र में हैं, बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, उससे रिलेटेड वो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई लेक्चर लेना चाहते हैं तो उस पर ले सकते हैं। ये चीज़ हम चाह रहे थे कि आपकी तरफ से कुछ आए, और अभी जितने लोग जुड़े हैं उसमें से भी कोई अभी करंटली बताना चाहेगा कि हाँ मैं इस पर ये कर दूंगा, ये करना चाहता हूँ, तो वो अभी भी बता सकता है। अदरवाइज आप अपने ग्रुप में और भी बात करके दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं और बाद में भी मैसेज कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि बाय स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट के लिए जो थीम है, जैसे मेरे को सिखाने का तो हो गया, टीचिंग वाला भी हो गया, हाँ ये चीज़ रह गई थी, कोई किसी कंपनी में प्लेस्ड है, ठीक है, वहाँ वैकेंसी निकलती है, आपको पता है कि यहाँ वैकेंसी निकली हुई है, ये बच्चा यहाँ रिक्रूट हो सकता है, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, तो हम अपने एलुमनी के जितने बच्चे हैं जो करंट स्टूडेंट हैं उनको कन्वे करेंगे और उनको इजीली जॉब मिल जाएगी अगर उनमें कैपेबिलिटी है। और मैं आपको बताना भी चाहूँगी कि विकास यादव ने ये बहुत हेल्प भी किया है हमें, और हमारे कई बच्चे उनके द्वारा प्लेस्ड हैं, उनके खुद के संस्था में हमारे कई बच्चे काम भी कर रहे हैं,
तो इस टाइप की मदद हम आपसे भी चाहेंगे। तो आज की इस मीटिंग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए, और मेरे इस बोलने के बाद अगर कोई कुछ बोलना चाहता है इससे रिलेटेड तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू स्टूडेंट फॉर योर सपोर्ट। दिव्या कुछ कहना चाह रही है, दिव्या आपको अनम्यूट किया गया है। दिव्या जी सर, जी जय हिंद सर, जय हिंद मैम, डिप्टी डायरेक्टर मैम, प्राचार्य महोदय तथा सभी शिक्षक गणों को मेरा सादर प्रणाम, व मेरे वरिष्ठ जनों, कनिष्ठ जनों, आप सभी को मेरा जय हिंद। महाविद्यालय का एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है कि दूसरे महाविद्यालय के कंपेयर में हमारा महाविद्यालय का जो वातावरण है वो काफ़ी फ्रैंक है। जैसे कि कभी किसी चीज़ के लिए डायरेक्टर सर के पास जाते हैं, एनएसएस का कोई प्रोग्राम होता है, या किसी चीज़ की हमें आज्ञा चाहिए होती है, या किसी तरह का कोई सुझाव देना होता है, तो हम काफ़ी डरे डरे से होते हैं कि पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा सर का, कि सर मानेंगे या नहीं। तो जब सर के पास जाते हैं तो सर इतने अच्छे से बात करते हैं और इतने सहज भाव से हमें समझाते हैं कि वो डर ही बाहर वहाँ से निकल जाते हैं। प्लस साथ ही ऑफिस में भी जो साहू सर है, गणेश सर है, और सरला मैम जो कि काफ़ी बिजी रहती है, फिर भी इतने अच्छे से उनका रिप्लाई आता है कि तो अच्छा लगता है कि हम किसी दूसरे कॉलेज में जब जाते हैं तो इंक्वायरी काउंटर में जो भी बैठता है वो काफ़ी रूखे से व्यवहार करता है, तो रिप्लाई ठीक से आता नहीं है, तो वो भी एक बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो उससे हम क्या होते हैं कि हम जाते नहीं उस कॉलेज में कि यार ये तो ऐसे बात करते हैं करके। तो इनफैक्ट अभी भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या ले चुके हैं, उनका यही शिकायत रहती है कि यार ये मैडम ठीक से बात नहीं करती। तो हमारे कॉलेज का ये एक प्लस पॉइंट बहुत अच्छा है कि यहाँ सभी प्यार से बात करते हैं, और किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए होती है तो वो टीचर्स हमें सपोर्ट करते हैं, और प्रतिभाओं के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑफलाइन में भी थे और ऑनलाइन में भी यूट्यूब वगैरह के माध्यम से हमें प्लेटफॉर्म दिया जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से मेरी प्रतिभा में भी निखार आया है। तो और साथ ही विमल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन चीज़ों में मुझे आगे रहने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, थैंक यू बेटा दिव्या। आगे अगर कोई छात्र अगर कुछ कहना चाहे तो वो हैंडशेक कर सकते हैं। और किसी को हैंड रेस करना है करके वो बोल सकते हैं अगर कुछ बात रखनी है उनको। निधि गुप्ता ने हैंड रेस किया है, बेटा आपको अनम्यूट किया गया है, आप बोल सकते हैं। Yes, sir. In the last, I would like to say that tomorrow is 24th of July and it will be celebrated as Guru Purnima. So in advance also, I would like to wish all my teaching and non-teaching faculty a very happy Guru Purnima from my end also, and from all the students also who are present here and who are not present here. Have a really, really great future ahead, Sai College and the whole Sai College family as well. Thank you so much. Thank you, Nidhi. थैंक यू निधि। अब मैं इस कार्यक्रम को अंतिम चरण देने के लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए हिंदी विभाग से डॉक्टर वर्षा मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा। वर्षा मैम जी। सर, मैं डॉक्टर वर्षा वर्मा आप सभी छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त करती हूँ इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि हम इस एलुमनी मीट के माध्यम से ही आपसे पुनः मिल पा रहे हैं, और यह खुशी की भी बात है कि हमारे संस्था में पढ़कर आप में से बहुत सारे छात्र छात्राएं जो है बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जो है कार्यरत है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे महाविद्यालय के डायरेक्टर श्री हरमीत सिंह सचदेव सर का, जिनके प्रयास से यह कार्यक्रम हो पा रहा है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीबी तिवारी का।
मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे महाविद्यालय की डिप्टी डायरेक्टर मैडम डॉक्टर ममता सिंह मैडम का, जिन्होंने यह अवसर मुझे प्रदान किया, एवं इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हमारे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी व्यक्तियों से हमसे जुड़े हुए इन सभी व्यक्तियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मिल पा रहे हैं यह हमारी एलुमनी मीट का एक हिस्सा है। इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं विमल सर को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू विमल सर। थैंक यू मैम। मैं सभी छात्रों से आज की इस वर्चुअल मीटिंग को यादगार बनाने के लिए आग्रह करूंगा कि वे सभी अपने अपने कैमरे को ऑन कर लें ताकि हम लोग एक ग्रुप फोटो ले सकें। हेलो विमल सर। हाँ बोलो सर। मैं विकास। विकास। हाँ बोलिए बोलिए। मैं विकास यादव बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि पूरा सेशन मैं सुन रहा था क्योंकि मैं एक प्लांट विजिट पे हूँ आज, और उस वजह से क्या बहुत शोर शराबे की वजह से मैं बोल नहीं पाया था। और मैंने पूरा सेशन सुना, मैंने अपने सीनियर विकास सर को सुना और सारे टीचर्स को भी सुना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस कॉलेज का हमेशा से हिस्सा रहा हूँ। और बहुत हर्ष की बात है, हमेशा से ही हर्ष की बात है मेरे लिए। तो सब मैं बहुत आज के लिए जो है थोड़ा सा मैं आपसे सबसे जो है अपोलोजाइज करता हूँ कि कम्प्लीटली जो है मैं इसका पार्ट नहीं हो पाया, बट मैं सारे लेक्चर्स को कम्प्लीटली सुना हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप ज्वाइन करें यही बात है, आप इतने बिजी शेड्यूल में प्लांट विजिट पे हो तब भी आप ज्वाइन करें, ये आपका प्यार दिखाता है। विकास थैंक यू। मैं सभी छात्रों से पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि सभी अपने अपने कैमरे को ऑन करें ताकि हम लोग एक ग्रुप फोटो ले सकें। चलिए सबको पुनः थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि साईं परिवार में आप जुड़े रहेंगे, जब भी इस प्रकार के लिंक आएंगे आप जरूर ज्वाइन होइएगा, और हमारे द्वारा जो भी ग्रुप व्हाट्सएप के तैयार किए जाते हैं जिसमें आपको जोड़ा जाता है आप जुड़े रहिएगा, और किसी कारणवश अगर आप नहीं जुड़ पाते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जानता हूं कि सभी छात्र कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, हम उनका ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। अभी भी कुछ छात्र कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो अगली मीटिंग में हमारे साथ जुड़े और जो भी बात रखनी है वो रखें, क्योंकि कुछ छात्र बहुत बिजी हैं, बड़ी मुश्किल से वो जुड़े हैं, तो मैं उनका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। इसी के साथ आज का जो वर्चुअल मीटिंग है इसको हम समाप्त करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।